हाय, आज हम बात करते हैं पैलेट फ्यूमिगेशन के। पैलेट फ्यूमिगेशन मिथाइल ब्रोमाइड से किया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड जो फ्यूमिगेंट है वो हाईली टॉक्सिक गैस है और वो रिस्ट्रिक्टेड केमिकल में आता है, और उसको फ्यूमिगेशन करने के लिए प्लांट क्वारंटाइन से जो लाइसेंस होल्डर है वही फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। पैलेट फ्यूमिगेशन करने के टाइम आपको पैलेट एक एक रख के उसको तारपोलिन से कवर करके सैंड बैग से पूरा सील करके उसमें गैस डाला जाता है और उसको 24 आवर रखा जाता है। उसके डोसेज है 48 ग्राम पर क्यूबिक मीटर एट 21 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर एक्सपोजर पीरियड। तो हमें 24 घंटा मिनिमम उसको रखना चाहिए, तभी जाके उसका फ्यूमिगेशन होता है। बहुत बार एक्सपोर्टर को या CHO को पता नहीं रहता है और एलियन तौर पर बोलते हैं कि अभी हमको फ्यूमिगेशन करना है और सर्टिफिकेट चाहिए और आज के आज भेजना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको 24 घंटे समय देना ही पड़ता है। वो फ्यूमिगेशन होने के बाद उसको स्टैंप लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट ने जो दिया है नंबर, वो नंबर जैसा रहता है IN, हमारे कंपनी का है IN 572, ये नंबर है MB, तो ये जो नंबर है उस पर दिया जाता है। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं, फिर वो स्टैम्प लगाया हुआ पैलेट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट आप आपके डॉक्यूमेंट के साथ दे सकते हैं, ताकि आपका कंसाइनमेंट जब दूसरे कोई कंट्री में जाएगा तो वो सेफ रहेगा और इंसेक्ट फ्री रहेगा। ये प्रोसेस करना बहुत मैंडेटरी है इंटरनेशनल लॉ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, टू अवॉइड द क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ऑफ द इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट अपने देश में है वो दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए, या फिर दूसरे देश से कोई इंसेक्ट अपने देश में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी पैकिंग मटेरियल है, पर्टिकुलरली वुडन पैकिंग मटेरियल, इसको मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन करना कंपलसरी है। तो मेरा नाम हीरामन राठौड़ और मेरी कंपनी का नाम सेवा फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन का लाइसेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, और वो उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूमिगेशन करते हैं। आपको इसके बारे में और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर बिलो।